कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बिखर चुकी, बूढ़ी हो चुकी। लगभग 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज वेंटिलेटर पर है, और हम लगातार ये देख रहे हैं कि राज्य के बाद राज्य, राज्य दर राज्य कांग्रेस पार्टी अपने वोट बेचती जा रही है, अपने विधायक बेचती जा रही है। आप गोवा का उदाहरण ले लीजिए। गोवा में गोवा की जनता ने कांग्रेस को बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिया और कांग्रेस की सरकार बनाई। कांग्रेस ने अपना वोट अपने विधायक बेच दिए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कुछ ही दिनों बाद अपना वोट और अपने विधायक बेच दिए, भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे लोग खरीद लिए और वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, और वहां पर थोड़े दिनों बाद कांग्रेस की सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। कि जनता कांग्रेस को वोट देती है और कांग्रेस अपने वोट भाजपा को बेच देती है। आज स्थिति ये आ गई है कि कांग्रेस और बीजेपी इंटरचेंजेबल, बीजेपी एंड कांग्रेस हैव बिकम इंटरचेंजेबल। कांग्रेस इज इक्वल टू बीजेपी, बीजेपी इज इक्वल टू कांग्रेस, कोई फर्क ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ना ही कोई भविष्य है और ना ही कांग्रेस पार्टी इस देश को भविष्य दे सकती है। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि कांग्रेस पार्टी इस समय वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, मृत्यु की ओर अग्रसर है, और कोई इलाज, कोई प्लाज्मा थेरेपी, कोई हाइड्रोक्लोरोक्विन, कोई रेमडेसिविर, कोई दवाई अब कांग्रेस को उसकी इस यात्रा से, अंतिम यात्रा से बचा नहीं सकती। कांग्रेस इस देश में बूढ़ी, बिखरती और एक तरह से समाप्त होती पार्टी बन चुकी।